एमसी स्टैन की बिग बॉस में एंट्री ये एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और बोल्ड मूव था। जब मुझे एमसी स्टैन के इस डिसीजन के बारे में पता चला आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड आई एम श्योर मेरी ही तरह एमसी स्टैन के सभी फैंस का भी सेम रिएक्शन होगा। लेकिन एमसी स्टैन के इस डिसीजन पर मेरे मिक्स्ड फीलिंग्स थे क्योंकि मुझे एमसी स्टैन का पर्सोना पता है। वो बंदा अकेला रहना पसंद करता है और उसे किसी से ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं है, जो कि बिल्कुल अपोजिट क्वालिटीज है एक बिग बॉस कंटेस्टेंट होने के लिए। और इसी वजह से मुझे डाउट था कि एमसी स्टैन का ये डिसीजन सही साबित होगा या फिर गलत। बट गेस व्हाट, एमसी स्टैन का ये डिसीजन इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि एमसी स्टैन अक्टूबर मंथ और दिसंबर मंथ में टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर टीवी पर्सनालिटीज में शामिल हो चुका था, जिस लिस्ट में उसके साथ अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा और सलमान खान जैसी पर्सनालिटीज हैं। इतना ही नहीं, एमसी स्टैन बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा पहला कंटेस्टेंट बन चुका है जिसने हाउस में एंटर होने के बाद 5 मिलियन से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गेन किए हैं। और कोई माने या ना माने, लेकिन ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि एमसी स्टैन और उसकी हार्डकोर फैन फॉलोइंग बिग बॉस सीजन 16 को कम्प्लीटली रूल कर रही है। तो यार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि हिप हॉप ऑडियंस के साथ साथ टीवी ऑडियंस भी एमसी स्टैन को इतना ज्यादा पसंद कर रही है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या एमसी स्टैन बिग बॉस सीजन 16 का विनर बन सकता है या नहीं। लेकिन 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 इससे पहले कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपने वीडियोस में अननेसेसरी गालियां देना स्टार्ट कर दूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बढ़ते हैं आगे वीडियो में। क्या हाल है गाइस, दिस इज समीर पटेल एके सैम। वैसे तो मैं बिग बॉस का फैन नहीं हूँ और ना ही मैंने इससे पहले कभी बिग बॉस देखा था, लेकिन इस सीजन मैंने बिग बॉस का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है, ओनली बिकॉज ऑफ एमसी स्टैन। अगर बिग बॉस की बात करें तो सीजन 13 के बाद से ही बिग बॉस टीआरपी के मामले में स्ट्रगल कर रहा था और बिग बॉस के पिछले दोनों ही सीजन बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस सीजन बात कुछ अलग है। सीजन 16 के स्टार्ट से ही बिग बॉस को 2.1 की टीआरपी मिली थी, जो कि एक डिसेंट टीआरपी मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता जा रहा है, इस शो की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जहाँ पर इस सीजन के व्यूवरशिप में पिछले सीजन के मुकाबले 41% का इंक्रीज देखने को मिला है। वुड की व्यूवरशिप में भी ट्रेड 40% का राइज देखने को मिला है, और फिलहाल ये शो नॉन फिक्शन कैटेगरी में नंबर 1 स्पॉट पर स्टैंड कर रहा है। और इस सीजन की इतनी पॉपुलैरिटी के चलते मेकर्स ने इस सीजन को और 4 वीक्स के लिए एक्सटेंड भी कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि बिग बॉस हाउस में एंटर होने के बाद एमसी स्टैन के नंबर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। बिग बॉस में एंटर होने से पहले इंस्टाग्राम पर एमसी स्टैन के 1.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, जो कि अब बढ़कर अराउंड 6.8 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, जिसका मतलब एमसी स्टैन ने 5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स गेन किए हैं। और बिग बॉस के हिस्ट्री में एमसी स्टैन ऐसा पहला कंटेस्टेंट बन चुका है जिसने हाउस में एंटर होने के बाद 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए हैं। अगर YouTube स्टैट्स की बात करें तो बिग बॉस हाउस में एंटर होने से पहले एमसी स्टैन के चैनल पर 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और करंटली वो 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस कर चुका है, जहाँ पर पहले उसके चैनल पर एवरी मंथ अराउंड 20 मिलियन व्यूज आया करते थे, वो अभी बढ़कर 73 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसके महीनों पुराने रिलीज हुए ट्रैक्स भी यूट्यूब पर फिर से ट्रेंड करने लगे हैं। अगर बात करें स्पॉटिफाई स्टैट्स की, तो पहले स्पॉटिफाई पर एमसी स्टैन के 5 लाख फॉलोअर्स हुआ करते थे और अराउंड 7 लाख मंथली लिसनर हुआ करते थे, लेकिन करंटली स्पॉटिफाई पर उसके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और मंथली लिसनर भी बढ़कर 3.5 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। इन स्टैट्स को देखकर तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि लोग एमसी स्टैन को पसंद कर रहे हैं और उसका म्यूजिक भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं कि लोग एमसी स्टैन को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक जो बहुत मेजर रीजन है वो है एमसी स्टैन की ओरिजिन स्टोरी। जैसी एमसी स्टैन की ओरिजिन है कि एक लड़का बस्ती से निकलकर बिना किसी की मदद लिए और बिना किसी एक्सेसिबिलिटीज के इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, जिसकी वजह से लोग उससे रिलेट करने लगे हैं, और एमसी स्टैन का जैसा लुक है और वो बंदा जैसे स्लैंग्स यूज करता है, तो लोगों के दिलों में उसके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ने उसके म्यूजिक को एक्सप्लोर किया। और लोग एमसी स्टैन को इस वजह से भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो थ्रू आउट द शो रियल रहा है।
और अगर वो गलती भी करता है तो उसे अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है और वो अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांग लेता है। और उसके इसी क्वालिटी के लिए इवन सलमान खान ने भी उसे अप्रिशिएट किया है। साथ ही साथ एमसी स्टैन ने पूरे शो में अपना एक आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड मेंटेन कर कर रखा है, और जिस तरीके से वो बाकी कंटेस्टेंट को सैवेज रिप्लाइज देता है, जिसके लिए भी ऑडियंस उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। किसी ने लुखौटे पहने हुए हैं ज्वेलरी के पीछे। अरे ज्वेलरी पे मत जा, तेरा घर जाएगा उसमें। सीजन की स्टार्ट में बिग बॉस और बाकी सभी कंटेस्टेंट एमसी स्टैन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जिसकी वजह से फर्स्ट वीक में उसको बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला था। और एमसी स्टैन भी एक इंट्रोवर्ट होने के कारण गेम में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया ऑडियंस का उसके तरफ पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा। और सीजन के स्टार्ट में जितने भी सेलिब्रिटीज आए थे वो सभी या तो एमसी स्टैन के फैन थे या फिर उन्होंने ऑलरेडी स्टैन का म्यूजिक सुन रखा था। मैं बात करना चाहूंगा मेरे फेवरेट स्टैन बाऊ। मैं एमसी स्टैन का बहुत बड़ा फैन। स्नेक से याद आया, जिसका सुपर हिट गाना था स्नेक। बहुत प्राउड है जो तूने हमारी कम्युनिटी के लिए किया। क्या हक से? जो अंडरग्राउंड अभी तो तू मेन स्ट्रीम है, अभी तो और जब एमसी स्टैन और शालिन के बीच फाइट हुई थी और एमसी स्टैन को 4 वीक्स के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था, उस वक्त एवरी वीक एमसी स्टैन एक ह्यूज वोट्स के डिफरेंस से सेव हो रहा था, जिसकी वजह से बिग बॉस ने भी एमसी स्टैन की पॉपुलैरिटी को रियलाइज किया और एमसी स्टैन को ज्यादा स्क्रीन टाइम देना भी स्टार्ट कर दिया। और बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार बिग बॉस ने एक रैप कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें एमसी स्टैन के साथ इक्का और सीधे मौत ने भी परफॉर्म किया। जहाँ पर मेजॉरिटी ऑडियंस एमसी स्टैन को पसंद कर रही है, वहीं पर कुछ टिपिकल बिग बॉस की ऑडियंस ऐसी भी है जो कि एमसी स्टैन को क्रिटिसाइज कर रही है। जो टिपिकल बिग बॉस की ऑडियंस है, उन्होंने अभी तक ऐसे कंटेस्टेंट्स देखे हैं जो कि शो जीतने के लिए पैशनेट होते हैं और जो शो जीतने के लिए फेक बनते हैं। लेकिन अगर एमसी स्टैन की बात करें तो एमसी स्टैन खुद ये शो जीतने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, स्टिल उसके फैंस उसे हर एक कॉन्टेस्ट में वोट देकर टॉप पर पहुंचा देते हैं और एमसी स्टैन टॉप कंटेंडर बन चुका है ट्रॉफी जीतने के लिए। लेकिन जो टिपिकल बिग बॉस की ऑडियंस है वो ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कि कोई इतना ज्यादा हार्डकोर फैन फॉलोइंग के साथ बिग बॉस शो को कम्प्लीटली डोमिनेट कर सकता है। अब बात करते हैं क्या एमसी स्टैन बिग बॉस सीजन 16 का विनर बन सकता है या नहीं। तो ऑरमैक्स मीडिया ये एक फर्म है जो वोटिंग के बेसिस पर पॉपुलर कंटेस्टेंट की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, और ऑरमैक्स मीडिया के अकॉर्डिंग एमसी स्टैन फर्स्ट वीक से लेकर अभी तक हर बार टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस की लिस्ट में आ चुका है, और पिछले 3 वीक से एमसी स्टैन इस लिस्ट में कंटिन्यूअसली नंबर 1 पोजिशन पर आ रहा है। इतना ही नहीं, अक्टूबर मंथ और दिसंबर मंथ में एमसी स्टैन टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर टीवी पर्सनालिटीज में भी शामिल हो चुका है, जिस लिस्ट में उसके साथ अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा और सलमान खान जैसी पर्सनालिटीज है। एवरी वीक बिग बॉस कॉन्टेस्ट रखते हैं जिसमें फैंस के पास चांस होता है कि वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट देकर किंग और क्वीन ऑफ द वीक बना सकते हैं, और इस कॉन्टेस्ट में हर बार एमसी स्टैन ही किंग ऑफ द वीक का टाइटल जीत रहा था, जिसके चलते अब बिग बॉस ने डिसाइड किया है कि वो किंग ऑफ द वीक और क्वीन ऑफ द वीक दोनों ही बनाएंगे ताकि एमसी स्टैन के अलावा बाकी कंटेस्टेंट को भी चांस मिले। और कुछ दिनों पहले 1.4 मिलियन ट्वीट्स के साथ ट्विटर पर #trophyawaitsMCStan ट्रेंड कर रहा था। ये सब चीजें सिर्फ एक ही बात इंडिकेट कर रही है कि MCStan इज द टॉप कंटेंडर टू विन द ट्रॉफी, और कोई उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम एमसी स्टैन के स्टैट्स को कंपेयर करेंगे किसी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के साथ। प्रियंका चौधरी, जिनको एक बिग बॉस का स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जा रहा है और लोगों का कहना है कि ये भी ट्रॉफी जीतने के लिए टॉप कंटेंडर है, तो हम एमसी स्टैन के स्टैट्स को कंपेयर करेंगे प्रियंका के स्टैट्स के साथ। बिग बॉस सीजन 16 स्टार्ट होने से पहले प्रियंका के इंस्टाग्राम पर अराउंड 1.1 मिलियन फॉलोअर्स थे और करंटली शी हैज अबाउट 2.3 मिलियन फॉलोअर्स,
जिसका मतलब प्रियंका ने गेन किए है 1.2 मिलियन फॉलोवर्स और प्रियंका 11,000 फॉलोवर्स गेन कर रही है डेली बेसिस पर। बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले एमसी स्टैन के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स थे 1.8 मिलियन जो कि अब बढ़कर हो चुके हैं अराउंड 6.8 मिलियन फॉलोवर्स, जिसका मतलब एमसी स्टैन ने गेन करे है 5 मिलियन फॉलोवर्स। और एमसी स्टैन डेली बेसिस पर अराउंड 48,000 फॉलोवर्स गेन कर रहा है जो कि कई गुना ज्यादा है प्रियंका के मुकाबले। और अगर कंपैरिजन करें ट्विटर का तो प्रियंका के जितने ट्विटर पर फॉलोवर्स है उतने तो एमसी स्टैन एक दिन में फॉलोवर्स गेन कर रहा है। तो यार इन स्टैट्स को देखकर तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि बिग बॉस का विनर कौन बनने वाला है। और अगर बात करें मेरे ओपिनियन की तो मुझे लगता है कि अगर विनर वोटिंग के बेसिस पर डिसाइड होता है तो एमसी स्टैन को कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन जैसी बिग बॉस की हिस्ट्री रही है उस हिसाब से बिग बॉस हमेशा अपने कलर्स के फेस को ही विनर बनाता आया है। लेकिन कोई बात नहीं, एमसी स्टैन जीते या ना जीते लेकिन हम सबको पता है कि बिग बॉस सीजन 16 का रियल विनर कौन है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर हम एम रखते हैं सिर्फ 15 लाइक्स का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसे ही हिप हॉप से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो। मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को, इधर फायर हो गई गलती ब्रो।